लख लख शुक्रिया सिया डबो सारा एहसान पाए तू कुल कायनात दा मालिक है तेरी रहमत ते ईमान पाए वहिया बख्शी उल्फत मिठे मदनी दी वहिया बख्शी उल्फत मिठे मदनी दी वाले अरबी दा दरबान ताहे तुड़े हाफिज बहुं गुनागार हमें पर सीने बिच कुरान ताहे। जी दोस्तों कमेंट से लाजमी दी सब की आवाज मेरी तो पसंद आई है या कोई नहीं आई घा घात की जानवर को इसी थी के वाल तक मजीद माहौल लिखे ने सारी वीडियो के नाल जुड़े रहा है। वेलकम बैक जी दोस्तों मैं वापस आ गया वाल घास पावा कि वो घास का अपना टुकड़ा घतना गेंडो होना धार करनी भाई भी काफी सारे जानवर ने सफाया वगैरह उन्होंने सुबह सवेरे मेरे ही जिम्मे होने क्योंकि मैं कोशिश करना कि अपना काम जल्द जल्द क्लियर करा तो भाई अपडेट दी वजह क्योंकि अजकल तो पता माह रमजान है माह रमजान का सीजन जो दर्जन होने स्टार्ट थी चुके तो इंशाल्लाह कल को मैं मुकम्मल ड्यूटी जी अपनी दुकान पर दसा इंशाल्लाह मैं कोशिश कर सकता कि ब्लॉग भी बढ़ा के अपने दोस्तों को लिखे रह पा तो सारी वीडियो के नाल जुड़े रहो इंशाल्लाह मैं मौका कड़ने का रहा कि तुम्हारे वास्ते एक वीडियो खासकर अच्छी अच्छी वीडियो बढ़ा कर देता रहा तो मैं मजीद माहौल जो सुल्तान को अपडेट भी दी रख सकता। अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है ठीक हो तो वैसे ठीक है मैं मोहम्मद इरफान तो तुसरे दे पे हो यूट्यूब चैनल आर जे इरफान मल्ल मेरे भाई गए खड़े घास की कटाई करने वास्ते उन्हें आवाज़ दी कि तुसा इरफान भी कपड़ा चाह के आओ सर घास चवा दिलो तो ये पैक चंदे पे कपड़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो हूँ जुलते पे वापस अपने भाई तरफ तो जुलते उन्होंने घास चवेने क्योंकि सुबह सवेरे उठी गए घास की कटाई करने वास्ते मैं तो जानवर घास वगैरह पाने पै गए मैं खैर ईजी थी गए इनू तो मैं चलो कोई नहीं विलाग भी बने देते घास भी चबा के वापस आने हैं क्योंकि मेरे भाई है ना ये भी दो त्रै दिन बारह मैंने गंदम की कटाई करने ये भी बहुत ज़्यादा थक पे क्योंकि एहसास करना चाहिए है। आज तो भाई एक नवी अपडेट देव रात तकरीबन बारह का टाइम सारे इलाके चंगी एक बार बारिश लाई पी है क्या थोड़े इलाके रात बारिश आई है या कोई ना कमेंट से लाजमी दसो टीबे शीबे ना सारे बिल्कुल सीने थी चुके माशाल्लाह माशाल्लाह दे पे मेरे भाई इतनी मेहनत की थी पहन इतनी सुबह सवेरे नाश्ता भी नहीं किया घास तो आ गए घास अलहमदुल्ला दे पे गणी ये बन गई भाई ये कटे पेन मैं जल्दी जल्दी कटो तो मैं तो मैं चवे जुला माह रमजान है माह रमजान का थोड़ा जहा एहतराम करना चाहिए है तो एक असा गुनाहगार बंदे हैं तो वाला सा रोज़ एक नहीं रखते वाला सा गाने सुनने ये मेरे को चीज बिल्कुल पसंद कोई नहीं पे ये घास भी सा अलहमदुल्ला सही किया पे क्योंकि असा दूजी दीवार तीजी दीवार पानी को लेंदे कने कल भी असा बोर चलाए हूँ तो दूजी दीवार पहले भी असा बोर चलाया क्योंकि सारा घास जो ना पहले जो ऑलरेडी सारा उड़े मतलब असा ठीक है तेरा कबा विजय की तो आई तो वो सारा घास जो ना खत्म थी गया जरा सारा घर वाला घा है सिर्फ और सिर्फ इो कुछ घा है तो असा कोशिश करें पे घास जानवरों को घास भी टाइम पर कटूँ और थोड़ा कटूँ या भूम एक्स करूँ उस तो बाद सारा जो घा है कुछ दीवार आ गए अगुआ थी वे सलाइकी के अगुआ दे तुस क्या कमेंट लाजम दसो दे पे ये भी अलहमदुल्ला सारा घा बेहतर पे अगर तक तो याद हो तो पिछली वीडियो दे मैं तक तो दिखाया जो सारा घास जो सुखा पिया खुश की गया वो वजह क्या आई उनकी पानी लाने लगा दे पे पानी देने लाए से अलहमदुल्ला वाल बिल्कुल हरा भरा घा दी है जबरदस्त कितना खूबसूरत लगता है ये जी सा खजूर का बूटा खड़ा ना ये तकरीबन पांच तो सात साल को ज्यादा थी गया सही को रहाया से ते इं अदर तक फल कोई नहीं जाता तो जुलद इंता तो कोई बूटा भी दिखे ने खजूर का क्या है फल क्यों नहीं जिंदी वजह क्या है क्योंकि पहले तो सब कुछ जिम्मे दोस्तों दसाई कि थोड़ा जो बूटा है ना इन बच्चे खड़े इन्ना तुम अगर कटवा गए तो वाले तेरा फल ची वरना कोई ना ची तो खैर इन जीते एक बूटे तक भी तो पंजी बूट निकले नहीं मतलब जरा बच्चे नहीं थे वो असा मुकम्मल इन लहा गए पट जीते वो अलग मजीद दिन उड़े रहा दस कुछ जरूरत पेन कुछ नहीं खल दे रहा दसे खैर वो बंद की गाल वैसे 100% ठीक है क्योंकि आखिर अगर इन बच्चे नहीं कट गए तो वाले जबरदस्त फल मुकम्मल तेरे चा सन जल्द दस फल शल नहीं बच्चे नहीं क्डन अलहमदुल्ला फल भी जबरदस्त चाय
अगर आज एक गुच्छा चाहे तो वल चादरी बार तक उम्मीद है कि मैं कुछ त्रै त्रै चार चार में मतलब बदला आसी जी दोस्तों भी बूटा ये रहा है सिले थे पवे इतना एक दो त्रै चार पाँच छः सात बूटे इं सैड रहा थे पन छः सात बूटे इं सैड दिन इवें समझ जुने के 15 to 20 बूटे जेडे ना असा इं खजूर दे नाल कढ़े कढ़ के एक सैड ते बैठ भी जाइए ते अलहमदुल्ला मौसम भी वे पी है बहुत ही प्यारा मौसम है हवा ठंडी ठंडी लगती पी जिमें कहते हैं जिन्हें दोस्तों रोज़ा रखा उसी तो अज उन्होंने को बड़ा सुकून दिवार गुजर सी क्योंकि बारिश आम है तो गंदम की कटाई बंदा कोई नहीं कर सकता ना ही उनकी कोई बधाई कर सकते अज के दिवार उन्होंने वास्ते रेस्ट आलिए रेस्ट करन ते रोज़ा जेड़े रखे पर उन्होंने को सल्यूट पेश करना अल्लाह पाक तो मजीद तौफीक देवे कि तुसा मैं भी रोज़े रखते रहो जी दोस्तों मैं तुम्हारे को एक रिक्वेस्ट करना कि जी मेरी वीडियो देते देना तुसा कम से कम 2 मिनट 2.5 मिनट की कुछ सैकंड देख के हट में देवे यार मैं डेगो तुसा डेटा तो डिठा करो मैं कितनी वीडियो तो मेहनत करना मेरी हर एक वीडियो के ना तक एक मिनट की वीडियो के उत्ते तकरीबन अद्धा घंटा लगे सैटिंग कराने तुम यार मेहरबानी की करो सारी वीडियो को शेयर भी किया करो लाइक भी किया करो मुकम्मल वीडियो डिठा करो कोई कमी पेशी हो सबको दसो असा को दोबारा ठीक करने की कोशिश करो तो मजीद हूँ टुलते पे वापस एक गंढ जी घास दी वो तो भाई चाह के चला गया घर सट्टन वास्ते या भाई कटें बैठे वो जिमें चाह के आते वापस तो वाल जुड़े मजीद तो माहौल लिखेने जी दोस्तों एक नवी अपडेट भी है साढ़े इलाके तकरीबन घर तू तकरीबन थी वे 2 एकड़ का सफर है तो मेरे चाचा जी ने अपने घर वाले जाके तो जो भूं वाला पला वो पट के इतना लाने जिसे टिब्बे दिते नजर आता पे टिब्बे दिते सामने खड़े तो जूम करो थोड़ा जो लिखे ना ये पे ये पला मेरे चाचा जी ने इतना बढ़ाए ये बनाने का मकसद क्या है एक तो ये पे रकबा भी है रकबे का घास वगैरह ही होंगे इतने ही होंगे भूं भी इतने ही होंगे इतों भूं चा के इतना रख दिता क्योंकि घर उनकी जगह इतनी खास कोई नहीं कि भूं संभाल के रखे अपने ही वजह इतना पला बढ़ा रखे भाई भूं अस इतों चा के घर वास्त इस्तेमाल वास्तव डेली चाहते रातों तो ये भी उनकी सोच बड़ी अच्छी है बड़ा अच्छा माहौल लीते टिब्बे उत्ते रौनक बहाल करा पै क्योंकि जंगलात वाला टिब्बा है सारा हर साइड सारे इलाके टिब्बा ही टिब्बा है तो कोई गल नहीं आस्ता आस्ता टिब्बा भी बहाल थी वैसे माहौल बन वैसे रूटीन वाला सी अपने इलाके हूँ मजीद मेरा भाई जरा हूँ रास ना बैठे मैं भाई ना ही मैं घास कटवा के ना जल्दी दी तो इंशाल्लाह जुल के बल सुल्तान को माहौल भी दिखे सू जी दोस्तों फाइनली घास कट के दस वे मैं वापस घर मुदसर डातरे चाहिए मैं डू हो सन डू जी दोस्तों घास भी कटने से अलहमदुल्ला मजीद जड़ा मौसम है सारा बड़ा वेपी मौसम थे मैं क्योंकि देते पे बिल्कुल ठंडा मौसम बड़ा वेपी मौसम है क्योंकि जड़ा भाई दोस्त रोज़ा रखता पे अल्लाह पाक को सलामत रखे सदा खुश रहे आबाद रखे लेकिन मैं कोई रोज़ा कह नहीं लेकिन उनकी वजह के है डू डिवार लगातार असर रात डी की गंदम कटाई की असर नींद भी पूरी को सारी तबीयत भी नासाज आई वजह अस हाँ रोज़ा नहीं रख सके कि मैं ये बंदा मेरे ना ही कहना अगर हो गया था तो कोई मजाक नहीं ये भी कम भिड़ता है डाटा जी दोस्तों फैमिली खाना वगैरह खा के जुड़ते पे सुल्तान कलोनी बाजार अपनी दुकान पर मोटरसाइकिल मेरे नाल खड़े मोटरसाइकिल करना है स्टार्ट जुड़ते पे सुल्तान कलोनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बैठो क्या हाल है खुश है तकड़े हैं तबीयत सेहत ठीक है उस्ताद कि गए कम गए बता दाढ़ी बनवाने आज हाँ बता चलो जी दोस्तों फैमिली में पहुंचा एक हमाम के उत्ते क्योंकि दाढ़ी की सैट नहीं करवाने दाढ़ी दे दी काफ़ी सारी बदी बजे तो हमाम वाले भाई खुद तो है कहना कहीं कम गए दसों जुड़े पे दुकान से काम काज जुड़ के दुकान तक करें तो जेड़े वे अस वाल चक्कर लेसू तो अज की वीडियो असर करने इतनी एंड अज की वीडियो सब तो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो जिंदगी ने दिता साथ मौत ने दी मौत अगर जिस सांसू टूट न गई तो एक बार बल मिल सो नवी वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।